इट वॉज अ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन जहाँ से मतलब 40 कंट्री से जहाँ पे नुमाइंदे आए थे। तो ये बेसिकली रोबोट था कि जो फायर फाइटिंग रोबोट था। ऐसी जगह होती है जहाँ पर आग लग जाती है और वहाँ पर इंसान नहीं जा पाते, तो ये रोबोट वहाँ पर जाकर उसको रेस्क्यू कर सकते। जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, एक तरह से आप पूरी कंट्री की रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। यूं भूल कर याद रखने का कमाल हुनर रखता है, वो दिल में छुपी मोहब्बत को दिल ही में रखता है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इमशा आवान और मैं हूं मोहम्मद फाइक। इस दुआ के साथ के खुदा अपनी रहमतें बेपाया से आपका दामन उम्मीद भर दे और इस उम्मीद के साथ के आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजरे। नाजिन, आज आपको एक और टैलेंट से हम मिलवाएंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि वो पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि IEEE कंपटीशन जो कि USA में मुनक्किद करवाया गया, उस कंपटीशन को उन्होंने विन किया। इसके साथ मजीद ये कि वो बहुत अच्छे शायर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स भी हैं उनकी। ये उन्हीं से पूछते हैं कि इतनी सारी अचीवमेंट उन्होंने किस तरह से हासिल की। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सैयद मोहम्मद रिजवान, पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर। उनको वेलकम करते हैं। रिजवान, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सर, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर ऑनरिंग मी सर, यहाँ पे आपने बुलाया। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमें बताएं कि जो आपने IEEE कंपटीशन विन किया USA में, उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं कि वो कंपटीशन आखिर है क्या था और उसमें क्या चीज़ थी। ये बेसिकली स्टूडेंट रोबोटिक्स डेमोन्स्ट्रेशन कॉन्टेस्ट था IEEE इंडस्ट्री एप्लीकेशन सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से। सो इट वाज अ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन जहाँ से मतलब 40 कंट्री से जहाँ पे नुमाइंदे आए थे। ठीक है, तो अल्लाह के करम से मतलब पाकिस्तान को, बिल्कुल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया UET की तरफ से, बिकॉज आई एम ऑल्सो डूइंग MPhil फ्रॉम UET यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। रिजवान, रिबोट्स के बारे में बताइए कि जो रोबोटिक कंपटीशन आपने विन किया उसमें कौन कौन से रिबोट्स बनाए थे आपने? ये बेसिकली दो रोबोट्स मैंने इनको भेजे थे, इनका प्रपोजल। एक था रोबोस्क्यू, एक था रोबो सॉकर प्लेयर और एक था रोबोस्क्यू। रोबोस्क्यू बेसिकली था रेस्क्यू रोबोट था। ये रोबोट मैंने बनाया था नॉर्मली जैसे हमारी रेस्क्यू 1122 है, फायर में जाके किसी को रेस्क्यू करते हैं। तो ये बेसिकली रोबोट था कि जो फायर फाइटिंग रोबोट था। इसको आग कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि इस पे पर लाइट बोर्ड की मैंने एक शीट ओवरले की हुई थी। ठीक है, और क्योंकि ये एक प्रपोज प्रोजेक्ट था, मेली बंदा तो नहीं उठा सकता था, ये सिर्फ जाके 2 kg का वेट उठा सकता था फायर प्लेसिड एरिया से। दूसरा रोबोट था वो रोबो सॉकर प्लेयर था। ठीक है, उसका ये था कि वो ABU रोबोकॉन के नाम से इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन होते हैं। वो बेसिकली होता है कि एरेना होता है 3 to 4 meters का, हर कोई अपने रोबो सॉकर प्लेयर छोटे छोटे वहाँ पे फील्ड में डालते हैं, और एक टेनिस बॉल की तरह एक फुटबॉल होती है। तो रोबो सॉकर प्लेयर का मकसद ये होता है कि वो उस टेनिस बॉल को गोल तक लेके जाएंगे। ठीक है, वो ऑटोमेटिक प्लेयर खुद करते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं लेकिन वो ऑटोमेटिक होता है। तो दूसरा ये वाला मतलब मैं प्रपोज वहाँ पे लेके गया था प्रोजेक्ट। लेकिन इस बार ये जो आपने रेस्क्यू वाला रिपोर्ट बनाया, इट्स गुड, क्योंकि जब कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर आग लग जाती है और वहाँ पर इंसान नहीं जा पाते, तो ये रिपोर्ट वहाँ पर जाके उसको रेस्क्यू कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रपोज प्रोजेक्ट है और इस पर रिसर्च अभी ऑन गोइंग है। अच्छा। और मैं बल्कि इस प्लेटफॉर्म से चाहूंगा अगर कोई सुन रहा है जो इस पर काम मजीद करना चाहे तो वो रब्ता करे। बिल्कुल, हमारे नाज़रीन देख रहे हैं। लेकिन जो दूसरा रिपोर्ट है वो टॉय इंडस्ट्री है बेसिकली हमारी। अच्छा। टॉय इंडस्ट्री पाकिस्तान की बहुत डाउन है। हम बेसिकली जो टॉयज होते हैं क्योंकि वो बाहर से मंगवाते हैं या चाइना के, आपने देखा होगा मार्केट्स में सेल होते हैं, तो पाकिस्तान का जो एक फुकदान है वो एक टॉय इंडस्ट्री का भी फुकदान है। हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स जो टॉय इंडस्ट्री बनाए, जैसे एक रोबो सॉकर प्लेयर है, वो अगर हम एज अ टॉय वो बनाए तो वो भी मतलब मार्केट काफी कैप्चर करेगा फॉर आवर इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा रिजवान, एक बात मुझे बताओ कि जो बच्चे आजकल मोस्टली मोबाइल फोन तो यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन कोई ऐप बनाने में या ऐप को करने में, डेवलपिंग करने में उनका इतना इंटरेस्ट नहीं होता देखा जाए, तो उन्हें कैसे मोटिवेट करते हो? अच्छा क्वेश्चन किया। मोटिवेट में इसलिए मैं खुद मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ क्योंकि करियर ग्रोथ के लिए जाता हूँ। बेसिकली ये पेरेंट्स पर डिपेंड करता है। आप बचपन से, आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट के जो विनर्स हैं 3 to 4 years की एज में वो सिखाना शुरू कर देते हैं अभी। तो ये पेरेंट्स पर डिपेंड करता है। आजकल तो मोबाइल में टिकटॉक जब इंस्टॉल होगी तो वो बच्चा क्यों किसी और ऐप की तरफ जाएगा। टेक्निकल ऐप्स भी हैं, ऐप्स यूज़ करें, टेक्निकल ऐप्स हैं जैसे आपकी PLC की है, रोबोटिक्स की है, माइक्रो कंट्रोलर्स की है, आप इंस्टॉल करें, आपको वहीं पर सिमुलेशन भी आ जाती है कि ये मैं कैसे कैसे बनाऊंगा। तो ये पेरेंट्स पर डिपेंड करता है, जो मैं समझता हूँ टीचर्स पर भी डिपेंड नहीं करता, नहीं करता। शुरू से बच्चे को बिल्कुल जो ध्यान है उसकी तरफ लेके। अब ये रोबोट्स की अगर बात करें तो बजाय इसके कि उसको कोई रिमोट कंट्रोलर वाला, उसको कि खुद कोई चीज़ बनाए, जैसे एक मैं नाम लूंगा Arduino, एक माइक्रो कंट्रोलर है बाहर की कंट्रीज में, क्योंकि मैं USA वहाँ पे गया तो मैं खुद देख के आऊँ। मैट्रिक के बच्चों को वो सिखाते हैं, 9th-10th के जो हमारे यहाँ पे मैट्रिकुलेशन बच्चे हैं यहाँ पे, वो हमें इंजीनियरिंग में बताते हैं Arduino। ठीक ठीक। और Arduino माइक्रो कंट्रोलर इतना ईजी है कि आपने सिर्फ उसको प्लग एंड प्ले करना है
और उसकी प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे भी वो कर सकते हैं, आजकल थोड़ा बहुत है, मुझे उनका नाम भूल के, डिफेंस में वो कर रहे हैं, वो छोटे बच्चों को इन चीजों के सिखाते हैं, लेगो रोबोट्स जोड़ के प्रोग्रामिंग करते हैं और वो बच्चे इंटरेस्टिंग होते हैं। जब आप यूएसए गए, क्या फीलिंग थी आपकी, आपने कंपटीशन विन किया और एक फीलिंग होती है ना, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे आप, तो कैसा फील कर रहे थे आप? थोड़ा सा नर्वसनेस भी होती है, लेकिन मैं मुर्शद कहता हूँ अपनी वालदा साहब को, अच्छा, ना अच्छा, अच्छा। उन्हीं की बेसिकली दुआ लगी, तो मेरी वालदा ही की दुआएं थी, मैं कंटिन्यूसली उनसे रबते में था। जिस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज, मतलब एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे, एक आपको जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, एक तरह से आप पूरी कंट्री की रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, यार कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। ये जो कंपटीशन आपने विन किया, इतनी सारी मेहनत की, रोबोटिक्स बनाया आपने, इसके पीछे कौन था, कौन आपको सपोर्ट कर रहा था, कौन आपको तैयार कर रहा था इसके लिए, किस टीचर का आपने नेम लेना चाहेंगे यहाँ पे? बिल्कुल, IEEE में मेरे मेंटोर हैं उस्मान मुनव्वर, और जो हमारी टीम थी वो शाहिद जुल्फकार और हमजा एहतिशाम, ये बेसिकली हमारी टीम थी, हम तीनों ने जाना था, लेकिन वो एम्बेसीज के इंटरव्यूज होते हैं, किसी का क्लियर नहीं हुआ, वो अगेन बात के मुर्शद की दुआ लगी तो मेरा वो लग गया बेरा पार, क्योंकि ये फंडेड टूर था, आई डिडंट पे एनीथिंग फॉर दिस, तो IEEE की तरफ से ये फंडेड टूर था, उन्होंने इसका पे किया और मुझे जो प्राइज मनी थी वो कैश, मतलब चेक दिया था उन्होंने। इम्शा कहते हैं इंसान का जब दिल टूटता है तब बंदा शायरी करता है, अच्छा ऐसा होता है क्या? वैसे ऐसा होता है, ऐसे होता है रिजवान, दिल टूटा तो नहीं, दिल जुड़ा ही है। आपको बताते चलें कि रिजवान बहुत अच्छे शायर भी हैं, दिल जब टूटता है ना तो उससे पहले वो जुड़ता है फिर टूटता है, तो इस तरह ये हां टूटा भी जुड़ा भी और मैरिड भी हूं अल्हम्दुलिल्लाह मैं, अच्छा और लव मेरी जी है, ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब आप शादीशुदा हैं? हां शादीशुदा, इसके बाद शायरी 2 months पहले ही मेरी मैरिज, शायरी उसके बाद शुरू की थी या पहले से? शायरी पहले की, शायरी पहले की, तो ये शायरी का रिजल्ट, ये शायरी का रिजल्ट था शादी का। अच्छा यहां पर नाजी करते थे आप? अच्छा अच्छा, ये दिल टूटने वाली चीज है ना, इस पर मेरे ज़हन में एक शेर आता है कि उम्र बीत जाती है एहसासात को अल्फाज देने में, फकत दिल टूटने से कोई शायर नहीं बनता। बिल्कुल, ये चीज भी बड़ी मैटर करती है। कोई नज़्म हमें सुना दें जो आप समझते हैं कि सबसे अब तक की बेस्ट नज़्म है और सुनाना चाहे हमारे नाज़रीन को। वैसे तो 60-70 लिखी हुई है, एक रुबाई याद आ रही है, वो मुझे स्टार्टिंग में उनका जब मतलब वो होता है ना, एक इग्नोर करता है स्टार्ट में बंदा, अंदर से कुछ करता भी इग्नोर करता है, इग्नोर मारता है। अच्छा शायरी में एक चीज मैं बताता चलूं, ये ना ये कभी भी चीज ना आप सोच के नहीं लिखते, जैसे आप मुझे कहेंगे ना अभी लिखो नहीं, ये एक नज़ूल होता है, एक फीलिंग होती है उसमें, फीलिंग। तो मैंने उस पर वो एक लिखा था, यूं भूल कर याद रखने का कमाल हुनर रखता है, असीर आएगा, असीर मेरा तखल्लुस है बेसिकली, अलिफ से ये रे, यूं भूल कर याद रखने का कमाल हुनर रखता है, वो दिल में छुपी मोहब्बत को दिल ही में रखता है, वाह वाह वाह, वो दिल में छुपी मोहब्बत को दिल ही में रखता है, मेरी हर दुआ हर उम्मीद का यही हासिल है असीर, मुझे वो वहीं रखे जहां वो खुद को रखता है। रिजवान, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप शायरी भी साथ साथ में कर रहे हैं, और ये नहीं हम कह सकते कि जो लोग शायर होते हैं वो कुछ और नहीं कर सकते, वो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। रिजवान, आपने कंपटीशन विन किया IEEE USA में, आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन कर सकते थे, आखिर आपने ये वाला जो प्रोफेशन क्यों चूज़ किया एज ए पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर पंजाब पुलिस में, क्या इसके पीछे क्या रीज़न थी? पहले क्योंकि मैं जब एज अ गेस्ट आया था, जब सर ने हमें प्रेजेंटेशन दी तो मैं काफ़ी वहाँ पे मतलब इंस्पायर हुआ कि मतलब ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है हमारी 15 पुलिस का, क्योंकि पंजाब पुलिस का काफ़ी एक बैड इंप्रेशन था, और ये जो हमारा सेफ सिटी अथॉरिटी है ये एक न्यू कल्चर ब्रॉड किया, तो मैं ये चाहना चाह रहा था कि जो हमारी टेक्निकल स्किल्स हैं वो यहाँ पे यूटिलाइज हों। तो अब जब यहाँ पे आके देखा, यहाँ पे सिर्फ मैं अकेला नहीं, और मैं बल्कि ये सेफ सिटी को ये एक एजाज दूंगा कि इन्होंने सिर्फ एक को नहीं, काफ़ी माइंड्स यहाँ पे की, माशाल्लाह यहाँ पे 15-20 MPhils हैं, स्कॉलर्स हैं, तो टेक्निकल फील्ड में काफ़ी काम कर चुके हैं। गाहे हम बहुत सारे पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर्स को यहाँ पे बुलाते भी हैं और लोगों को दिखाते भी हैं कि वो कितने माशाल्लाह टैलेंटेड हैं। बिल्कुल ऐसी हुई, मैं वजह बता रहा हूँ कि सेफ सिटी ने, एक अनएम्प्लॉयमेंट की वजह और होती है, एक होता है कि आप इंटेलिजेंट माइंड्स को एक जगह इकट्ठा करें, और हम यहाँ पे बैठे हैं 24/7 सर्विस के लिए, तो जहाँ इंटेलिजेंट माइंड सर्विस के लिए बैठा है तो वो इसलिए मुल्क की खिदमत और मतलब माइंड जो वाकई डिजर्व करते हैं कि वो सही तरह से सर्व करें। रिजवान, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। थैंक यू जी। नाज़रीन, हमारे साथ रिजवान थे और उन्होंने अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताया और जिस तरह उन्होंने कंपटीशन विन किया, और अगर आप में भी कोई टैलेंट है और आप हमारे सामने आना चाहते हैं, अपने सामने लाना चाहते हैं और उसे ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको इंशाल्लाह ज़रूर इन्वाइट करेंगे। इसके साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और इसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सेफ रहें, सेफ सिटी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।